भय क्यों? मनुष्य हर समय भयभीत रहता है। भय क्यों होता है? भय एक भावना है जो अज्ञान से पैदा होती है। भय की भावना अज्ञान से पैदा होती है। अगर हम भय को छोड़ दें तो कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसी में फायदा है। भय करके नुकसान है। छोटे छोटे भय को देखो, भूत प्रेत का भय है और जादू टोना का भय है, ग्रह लग्न मुहूर्त का भय है, शकुन अपशकुन का भय है। शकुन तो अच्छा लगता है, अपशकुन खराब लगता है, अपशकुन का भय। और ये सब धारणाएं बहुत पुरानी हैं, वैदिक काल से भी पुरानी है। जंगली युग की देन, घोर जंगली युग, जब एक समूह दूसरे समूह पर हमला करता था, मार काट करके लूट करके चल देता था और कोई कानून नहीं था, कोई ऐसा राजा नहीं था कि उसका निग्रह करे। बस एक समूह दूसरे समूह पर जो जबरदस्त तो चढ़ बैठता था। और जब गए और लूट फूट करके खूब काट कूट दिए, तब पीछे से भय उत्पन्न होता था कि जिनको हम मारे हैं वे हमें मार रहे हैं। भूत की भावना यहीं से खड़ी हुई। अपना मन ही भूत बन जाता रहा। अथर्व वेद में ये सब का वर्णन बहुत है। सोना धारण करने से ये लाभ होता है, अमुक नग धारण करने से ये लाभ होता है। भय से बचने के लिए अंगूठियां पहनी जाती हैं, दुखों से बचने के लिए। और अंगूठियों के पहनने का अर्थ है उंगलियों के सौंदर्य को नष्ट करना और गंदगी लपेटे रहना, और कोई फायदा नहीं। और 95% से अधिक अंगूठियां शिक्षित नामधारियों के उंगलियों में रहती हैं। शिक्षा का ऐसा दिवाला पिटा है कि हद है। ऐसे ऐसे शिक्षित हैं जिनके दोनों हाथों में अंगूठियां भरी हैं, एक एक उंगली में दो दो अंगूठियां। डींग तो हांकते हैं, हम बड़े समझदार हैं। एक अंगूठी भी पहनना भूल के सिवा कुछ नहीं। शौक के लिए जो पहना वो बात अलग है। बरबधु हैं, विवाह वाह के समय में रस्म से थोड़ा पहन लिए, वो बात अलग है। बाकी तो भय से भीत हैं। कितने नेता अंगूठियां लपेटे हैं उंगलियों में और हार गए। जो ताज़ा घटना है, अटल बिहारी वाजपेयी को सभी ज्योतिषी कहे थे कि जीतेंगे, अखबारों में सब ज्योतिषी एक स्वर से अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो हार करके बेचारे अपने कमरे में बैठ गए, कोई ज्योतिषी कुछ नहीं टिप्पणी कर पाया। ये फलित ज्योतिष की पोल पट्टी है, फिर भी इसको इसका इतना तूदा बाधा जाता है। अभी जो सरकार गिर गई है उसने मनमानी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया है और फलित ज्योतिष पढ़ाने के लिए विधान बनाया है। कितना दुर्भाग्य है देश का।
बिहार में एक मंत्री ने सोखा बैगा ओझाओं को बुला करके पुरस्कृत किया है कि हमारा ये ज्ञान प्राचीन है, इसको बढ़ाना है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ये सब विज्ञान है, इसको बढ़ाना है। ये देश की दुर्दशा है। ऐसे विज्ञान युग में इतना घोर अंधकार का प्रसार किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा। सरकार में जो बैठे हैं वैसे ही हैं, एड़ी सी चोटी तक भटके हुए, कुछ होशवास नहीं। लगन मुहूर्त देख करके तो पर्चा दाखिल करते हैं लोग, अगर गद्दी पर बैठना है और साइत नहीं है, पंडित बताते हैं कि अभी दिन ठीक नहीं है तो 4 दिन 6 दिन बढ़ा देंगे। तुर्कों ने जब देश पर हमला किया तो बादशाहों ने पंडितों से पूछा, राजाओं ने पंडितों से पूछा, कहा अभी 3 दिन तलवार उठाएंगे तो हार जाएंगे। तुर्क लोग रगड़ दिए, उनको शायद पूछना नहीं था। तो भय से भीत हो करके आदमी इतना पीड़ित है, इतना गलत काम करता है, मनुष्य की हत्याएं करके अपना मंगल चाहता है। जानवरों की हत्या तो सागमूली काटना है। परमात्मा और देवता की प्रसन्नता के लिए प्राणियों के गले पर छुरी रेती जाती है। जब प्राणी छटपटाते हैं पीड़ा से तब ईश्वर और देवता खुश हो जाते हैं। ये धर्म की पोलपट्टी, ईश्वर और देवता की पोलपट्टी, ईश्वर और देवता की ही परिभाषा है। जो निहायत दयावान है, करुणाशील है, वो किसी को तड़फा करके प्रसन्न होता है। घोर अज्ञान में आदमी डूबे हैं, अनेक भय से पीड़ित हैं। कहीं चले एक्सीडेंट का भय, ९९% से अधिक लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता है, बिस्तर पर मरते हैं। बिस्तर सबसे बड़ा एक्सीडेंट की जगह है, जहाँ लोग मर जाएं वही एक्सीडेंट की जगह है। और बिस्तर पर ही 99% से अधिक लोग मरते हैं, और बिस्तर से कोई भयभीत नहीं, सड़क से भयभीत है, और सड़क पर बहुत थोड़े लोग मरते हैं। कोयला के खदान के एक इंजीनियर ने मुझसे कहा, बहुत गहरे में जाते हैं कोयला के खदान में, कहते साहब सड़कों पर जो एक्सीडेंट होता है कोयला खदान में उतना कहाँ होता है। वहाँ एक निर्देश दिया जाता है, बल दिया जाता है कि कोयले के खदान में जाओगे मर नहीं जाओगे, सड़क पर ज़्यादा मरते हैं। कोयले के खदान में बहुत गहरे तक चले जाते हैं। सेना में जब लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, एक बड़े सेना के अधिकारी ने लिखा था, मैं उसको पढ़ा था उस समय, कि जब लड़ाई बंद हो गई लाहौर से और आगे, रात में सब सो गए थे, कोई तोप के कुंदे पर ही सिर रख करके सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, सब थके थे, सब सो गए थे। हम कई अधिकारी कैंप में बैठ करके मीटिंग किए और कहे जो ये पुल है इस पर से गाड़ी दौड़ाएं और आगे चले हमला कर दें, पुल कमज़ोर लगता है, टूट सकता है, हम लोग मर सकते हैं, मौत कहाँ नहीं है, मौत से कहाँ बचेंगे, चिंता छोड़ देना। खूब विचार किए,
उनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मौत कहाँ नहीं है, बिगुल बच गया, सब तैयार, वो तो सब ऐसी अवस्था में तो अपने पोशाक में रहते हैं, कुछ करना धरना नहीं रहता है, बस पोजीशन ले लिए और गाड़ी दौड़ाए। उन्होंने लिखा कि पुल पर तेज गाड़ी ले गए और सब उधर गए और काफ़ी क्षेत्र तक विजय कर ली गई। मौत कहाँ नहीं है, आसपास जोधा खड़े सबे बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा प्रबल काल। एक्सीडेंट का बहुत बड़ा डर और जीवन भर डरते डरते अंत में बिस्तर पर मरे, कुछ नहीं हुआ। जिसका एक्सीडेंट होना होता हो जाता है, सावधानी रखना गलत नहीं है, लेकिन मन से भयभीत होना गलत है। सावधानी अलग बात है, भयभीत होना अलग बात है। जब चलें सावधान रहें, हर काम में सावधानी की आवश्यकता है, डरने की जरूरत नहीं। एक सज्जन से मैंने एक बार पूछा कि आपको कोई भय परेशानी, कैसा है, और तो कुछ नहीं है, बस कभी कभी ये होता है कि कभी डाकू न घर में आ जाए, और पैसा घर में नहीं रहता, जो कुछ रहता बैंक में रहता है, लेकिन शोहरत है कि उनके पास पैसा है। ये घटना शंकर भक्त के साथ थी। शंकर भक्त को यहाँ बैठे हुए बहुत से पुराने लोग जानते हैं, यहाँ के प्रेस स्थापन में उन्होंने पहले पैसा दिया तो कैसा है, बस यही डर होता है कि किसी दिन डाकू न आ जाए। तो मैंने कहा कितने दिनों से होता है, कोई 20-25 वर्षों से। मैंने कहा डाकू आए कहे नहीं आए, हमके हो सकता जीवन बीत जाए न आए, और जब डाकू आएंगे तो मिनटों में वो काम करेंगे, तभी सह लीजिएगा। रोज़ रोज़ डाकुओं से क्यों अपने को पिटवाते हैं। मैं 10-15 मिनट उनसे कहता रहा। उनमें ये गुण था कि जिस चीज़ को समझ लेते थे धारण कर लेते थे, और बलवान मन से फिर वह उस बात को समझे, दृढ़ हो गए। तब मैं कभी कभी पूछता कैसे, अब तो चिंता ही दूर हो गई। उसके पश्चात भी करीब करीब वो 20 वर्ष तक जीवित रहे और कभी डाकू नहीं आए, बल्कि मरने पर बड़ी सुंदर व्यवस्था हो गई, बड़ा सम्मेलन हुआ, संत भक्त आए, भंडारा हुआ, दान पुण्य ठीक से हुआ, भाइयों को खेत और पैसा भी ठीक से मिल गया, उधर संतों की भी सेवा कर ली, सब ठीक ठाक हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सबको संतोष हो गया। भय एक भावना है जिसको पालने से मन में पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। मृत्यु का भय सबसे ज्यादा है, जो कि अनिवार्य है, कोई बच नहीं सकता। कल मैंने श्री आज्ञा साहेब का समाचार जानने के लिए काठमांडू फोन किया तो निष्ठा साहेब वहाँ पर थे, उन्होंने बातचीत की, कहे उनके हृदय में छेद 2 हो गए हैं, डॉक्टर ने जांच में बताया, तो सांस में परेशानी होती है। 4 दिन के पूर्व ज़्यादा वैसे थे, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा अभी अवस्था हॉस्पिटल का नहीं है, आश्रम में रखें, सेवा करें, और वो थोड़े दिन में ही शरीर नहीं रहेगा। 90 वर्ष के हैं, अभी 2 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे, बहुत अच्छे संत हैं श्री आज्ञा साहब, उनकी पुस्तकें भी कई हैं। एक एक दिना या ही गत सबकी, कहा राव का दीना हो, चाहे राजा हो चाहे दीन हो, सबकी दशा एक एक दिन है शरीर का छूट जाना।
और शरीर के छूट जाने से नुकसान क्या है? शरीर ये रहे और सड़े, क्या फायदा होगा? शरीर तो एक काम के लिए मिला है, वो काम कर लो, ये टूट जाए, काम खत्म। जब हम मकान बनाना चाहते, एक प्लाट खरीदते हैं, उसको अपने नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं, ईंटा सीमेंट लोहा लक्कड़ जमा करते हैं, पहले एक किनारे ईंट से जोड़ जाड़ करके एक फूस या टीन कुछ रख करके कच्चा निवास स्थान बनाते हैं और फिर वहाँ रह करके वस्तुओं की सुरक्षा रखते हुए बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। जब बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है, रंगाई पुताई फाटक जंगले सब लग गए, तब उसमें चले जाते हैं, तो इस कच्चे मकान को तोड़ देते हैं। पक्का मकान बनाने के लिए कच्चा मकान बनाया जाता है। अविचल स्वरूप स्थित रूपी किला के निर्माण के लिए मानो ये शरीर कच्चा मकान एक मिला है। इस शरीर रूपी कच्चे मकान में रहते हुए अविचल भवन बनवा लो। वो बनवाना नहीं, बनता है वो अविचल नहीं होता, बनता वो बिगड़ता है। समझना और ठहरना है, वो भवन कोई भवन नहीं है, आत्म शांति है। आपका अस्तित्व है, आप हैं, आप हैं, तभी आप दुखों से छूटना चाहते, तभी आपको दुख भी है। आपका अस्तित्व ही नहीं होता, दुख किसको होता है? आप हैं, आप दुख नहीं चाहते हैं, और दुख तभी मिटेगा जब मन का विकार मिटेगा, मन की आशा तृष्णा मिटेगी। सब आशा तृष्णा छोड़ करके अपने आप में पूर्ण शांत, ये अविचल भवन है। ये मरे हुए संसार की क्या आशा तृष्णा, जहाँ सब मृत्युमय है, जहाँ कुछ साथ नहीं रहता है, जहाँ शरीर के साथ सब खो जाता है मृत्यु के समय, वहाँ किस वस्तु की आशा तृष्णा की जाए? यहाँ की सारी आशा तृष्णा त्याग कर अपने आप में अविचल भाव से स्थित हो जाना चाहिए। ये अभेद्य किला है। जैसे एक आदमी दुश्मनों से खदेड़ा जाता हो, भगा, और उसका किला हो, किला में आ गया और फाटक बंद हो गया, अब वो निश्चिंत हो गया। ये स्वरूप स्थित आत्म स्थित ही अभेद्य किला है। इसी में भय की समाप्ति है। व्यवहारिक दृष्टि से भी हमें सोचना चाहिए, अगर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आजकल में शरीर छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, भय किसका? जब आत्मा ही नहीं है, शरीर गया सब गया, फिर कभी जीवन नहीं, भय किसका? आत्मा अगर है और अमर है तो भय किसका? शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। हम आत्मा को अमर मानते हैं, जड़ तत्वों को भी अमर मानते हैं, सत्ता को अमर मानते हैं। विज्ञान भी यही कहता है, सत्ता नित्य है, सत्ता असत्ता से नहीं आती है और असत्ता सत्ता में नहीं आती है। नास्तो विदते भाव अनुभाव विदते सत्ता, ये गीता में भी कहा गया है। जो विद्वान नहीं वो कैसे विद्वान हो जाएगा, और जो विद्वान है वो नष्ट कैसे हो जाएगा? ये मकान विद्वान है, मकान जरूर नष्ट होगा, लेकिन जिन तत्वकणों से ये मकान स्थिर है वो तत्वकण नष्ट नहीं होंगे। तो जड़ भी नित्य है और चेतन भी नित्य है, क्योंकि जड़ में चेतना नहीं है, जड़ के संयोग से चेतना नहीं आ सकती है। चेतना एक स्वतंत्र गुण है, गुण द्रव्य में रहता है। चेतना रूपी गुण जिस द्रव्य में है उसी को हम चेतन आत्मा कहते हैं। आत्मा नित्य है और जगत प्रकृति भी नित्य है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभाव, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं।
आत्मा अमर है तो भय किसका? भय एक भ्रम है। शरीर में चिपकाहट भय पैदा करती है। देह और आत्मा की भिन्नता का जितना गहरा ज्ञान और अभ्यास होगा उतना भय खत्म होगा। ये शरीर मुर्दा हाड़चाम का ढांचा, इसमें क्या रत करना चाहिए, क्या मोह करना चाहिए? ये तो काम की चीज़ है, व्यवहार की चीज़ है, मोह की चीज़ नहीं। पतरी दी गई उसमें भोजन करने के लिए, भोजन कर लिए वो पतरी को सीने में बांध करके घूमे तो पागलपन के सिवा क्या है? ये शरीर एक पतरी की तरह है जिसमें आध्यात्मिक भोजन कर लो और लपेट करके कूड़ेदान में फेंक जाए, फेंक जाएगा, अपने आप फेंक जाएगा। ये देहाभिमान से पूर्ण रूप से अपने को निकालना चाहिए और आत्मलीन होना चाहिए। आत्मलीनता अभेद्य किला है। इस अभेद्य किला के निर्माण तो शब्द कहना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि निर्माण नहीं है, यह निर्मित नहीं होता है। आत्मा तो नित्य है ही, उसको समझ करके ठहर जाना है। इस अवैध किला की स्थिति के लिए ये शरीर रूपी कच्चा मकान मानो बना है। अवैध किला में पहुंच जाओ, कच्चा मकान टूट जाए। अवैध किला में सब समय पहुंचे रहो, ये कच्चा मकान अपने आप टूटेगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा। प्रारब्ध खत्म हो गए, बिखर जाएगा। अब आप अचल अपने आप स्थित रह जाएंगे। स्वरूप स्थित के लिए जीवन है, आत्म शांति के लिए जीवन है, तो भय हम क्यों करें? किस चीज़ का भय करें? कितने भोले होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते तो भयभीत होते, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा? एक बूढ़ा सेठ, गांव का सेठ था, कहा साहब आप कल जाएंगे जब इधर से तो रास्ते में हमारा घर पड़ेगा, थोड़ा रुक लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, रुक लिया। दोनों की उम्र 70 के लगभग होगी, पति पत्नी की। एक लड़का खड़ा था 18 बरस का आंगन में, कहा साहब जीवन में मुझे सुख नहीं मिला, धन तो है लेकिन सुख नहीं मिला, क्योंकि महाराज हमें कोई बच्चा नहीं, ये लड़का जो सामने खड़ा है इसी को गोद लिया हूँ, अब चाहे सुख मिल जाए। ये साफ साफ कहा, अब चाहे सुख मिल जाए। तो मैं क्या कहता ऐसे भोले आदमी को? तुरंत कुछ चर्चा किया और चल दिया। 3-4 वर्षों के बाद फिर उस आंगन में जाना पड़ा, तो सेठ जी मर चुके थे, सेठानी थी। मैंने कहा ठीक है, गोद में जिसको लिए थे लड़का वो कहाँ है? कैसा है? उससे मुकदमा चल रहा है। उसके घर वाले घर ले गए उसको, और घर वालों ने मुकदमा ठोंक दिया है। मैं मर नहीं रही हूँ, और चाहते थे जल्दी मर जाए, कुल धन ले लो, तो मुकदमा चल रहा है। ये सुख की लीला है। अरे लड़का पैदा हुआ है तो एक जिम्मेदारी आपकी हो गई, उसको निभाइए। और गोद लेना, ना हुआ दुख खरीदना, वेद में तो गोद लेने को अच्छा नहीं माना गया। ऋषि इसमें भी गोद से डरते हैं, कहते हैं हमें अपना पुत्र चाहिए। और भी राग बस है, वेद के ऋषि काफ़ी राग बस हैं, लेकिन उतने बाद वेद में नहीं है, बहुत हीरे मोती। तो अपने बच्चा नहीं है तो गोद ले लो, गोद फूत कुछ मत लो, अगर बच्चे नहीं तो समझ लो आधा दुख है आधा दुख नहीं। गृहस्थी बसाने का दुख आपने किया, और बच्चा नहीं हुआ तो आधा दुख नहीं हुआ, गृहस्थी बस गई बस गई, विवाह कर लिए, बच्चा नहीं हुआ तो आगे दुख नहीं है। अपना काम करो, कल्याण साधना करो, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? सबको सेवा की जरूरत नहीं पड़ती।
और जब सेवा की जरूरत पड़ती है तो ये प्रकृति सेवा कर देती है, लोग कर देते हैं, मिल जाते हैं। और उसको लेकर के एक नया दुख शुरू कर लिया जाए, पहले इसी गले में फांसी लगा ली जाए, कौन सी समझदारी है? भय क्यों होता है? अज्ञान से भय इसलिए होता है कि चीज़ें सब बिगड़ाऊ हैं, इसलिए भय बना रहता है। प्राणी और पदार्थ और परिस्थित, ये तीन में हम गुजरते हैं। प्राणी सचैतन्य है, पदार्थ अचैतन्य है, परिस्थित प्राणी और पदार्थ दोनों का सामंजस्य है, ये तीन है। जैसे इस कक्ष में जितने लोग बैठे हैं प्राणी हैं, और इसमें लाउड स्पीकर, दरी, चद्दर, गद्दे इत्यादि, ये सब पदार्थ हैं, और ये सब का सामंजस्य परिस्थिति है। बिजली चल रही है, पंखे चल रहे हैं, वातावरण सौम्य है, शीतल है, प्रातः का समय है, ये सब मिलाकर के परिस्थित है। तो प्राणी, पदार्थ और परिस्थित, ये तीन में होके हम गुजरते हैं, और इनमें कुछ ठिकाना नहीं है कब क्या हो। हमारे संत आज कहते थे, बहुत दिन पहले इस कहते थे कि अब की बार तो गर्मी है, ध्यान शिविर के क्या होगा। हम कहे अब आज के दिन से उस दिन की तौल नहीं की जा सकती, तो क्षण ही बदल जाता है। 25 दिन से तो एकदम गर्मी पड़ रही थी, और ध्यान शिविर के 2-3 दिन पहले ही से पानी बरसना शुरू कर दिया, वातावरण शीतल हो गया। प्राणी, पदार्थ और परिस्थित, ये तीनों कणों के जोड़ हैं, और इनमें कब कहाँ बिखरा हो कोई पता नहीं, इसलिए आदमी भयभीत रहता है। प्रिय व्यक्ति कम मर जाए, जो ज़्यादा प्रिय होता उसी के मरने का भय ज़्यादा लगता है, और जिसमें वैसा नहीं होता उसके लिए कम होता है। ये प्राय मैंने देखा है बचपन में कि माताएं या और भी पुरुष लोग भी लड़कियों से विनोद करते हुए उससे मरने की बात करते हैं, और लड़कों से कभी नहीं करते। मैंने देखा कि लड़की को खिला रहे हैं और कह रहे हैं बेटी तू मर जा, और तेरे विवाह में खर्च वर्च करना पड़ता, झंझट न पड़े, तू मर जा, और लड़की हंसती। ऐसा कई बार देखा, लेकिन लड़कों से कोई नहीं कहता कि बेटा तू मर जा, नहीं तो आगे चल करके पता नहीं तो मुझे ही संताप दे, कोई नहीं कहता, क्योंकि लड़के से ज़्यादा उम्मीद है, और लड़की तो चली जाएगी, लेकिन लड़की मरती नहीं किसी कहने से। तो जहाँ हमारा मोह होता है वहीं भय आकर के धमकता है। मोह त्यागे बिना भय छूट नहीं सकता है, और मोह एक भ्रांति है। मोह करने से कोई लाभ नहीं है, जो बन सके सेवा करना चाहिए। लड़के बच्चे की जिम्मेदारी है तो उनकी सेवा करें। हमें सेवा करना चाहिए, मोह से कोई फायदा नहीं होगा। तो भय क्यों होता है? मोह है, और जिन पदार्थों में मोह है वो बिगड़ाऊ हैं, कणों के जोड़ हैं, इसलिए भय होता है। मनुष्यों के मन उलट जाने वाले होते हैं, इसलिए भय होता है। पदार्थ तो बिगड़ाऊ हैं, और प्राणियों का मन बिगड़ा हुआ है। प्राणियों में ज़्यादा मनुष्य का महत्व है, जानवरों का तो ऐसा कोई कुछ नहीं, जानवरों में कोई समस्या नहीं। 1000 जानवर आप पाल लें, उनको आहार दें, निवास दें, बस देख रेख रखें, काफ़ी है। मानसिक द्वंद्व उसमें कुछ नहीं। 1000 गाय, 1000 भैंस, 1000 घोड़े, 1000 हाथी पाल लें, उनको निवास दें, चारा पानी दें, व्यवस्था रखें, कोई चिंता, राग द्वेष की चिंता उसमें है ही नहीं।
लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पाल के निभाना टेढ़ी खीर है और बीच बीच में महाद्वंद है। मनुष्य का मन बहुत कामना वाला है, अन्य प्राणियों का मन कामना वाला नहीं है, प्रकृतगत है। बस कुछ खा लिया पी लिया और कोई परेशानी नहीं। और जब उनके गर्भाधान की बात आई तो नर मादा संयोग कर लिए, और ज़्यादा वे आसक्ति और आदत में नहीं रहते हैं, वो प्राकृतिक ढंग से रहते हैं। बस मनुष्य महाकामना वाला है, कामनाओं से भरा रहता है, इसलिए इसके मन में परिवर्तन आने में देरी नहीं है, तो भय सवार रहता है। लड़के का मन बदल जाए, लड़की का बदल जाए, पत्नी का बदल जाए, पति का बदल जाए, माता पिता का बदल जाए, या किसी का भी मन बदल जाए, पता नहीं कब मन बदल जाए। इस प्रकार मन भयभीत रहता है। पदार्थ कणों के जोड़ हैं और मनुष्य का मन इच्छा से भरा होने की वजह से कमजोर है। दोनों में परिवर्तन की संभावना सब समय बनी रहती है और उसी में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परिस्थितियों को भी कोई रोक नहीं सकता है। अभी बादल हट जाए, पानी बरसना बंद हो जाए, गर्मी शुरू हो जाएगी। जब हम चाहेंगे कि पानी न बरसे, बादल घेर लिए, पानी बरसने लगे, हमारे लिए परिस्थिति गलत हो गई। तो परिस्थितियों का परिवर्तन भी होता है और मनुष्यों का मन भी परिवर्तित होता है। और पदार्थ परिवर्तित होते हैं, इनके परिवर्तन को कौन रोक सकता है? इसमें भय करने की क्या जरूरत है? जो अपने तरफ से चाहिए सावधानी, वो करना चाहिए। पदार्थ जो हमारे पास हैं उनको सुरक्षित रखें। मनुष्य जिनका संपर्क है तो अपने तरफ से ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरे के मन में उद्वेग हो, और दूसरे द्वारा अगर कोई उद्वेग का काम हो जाए तो उसको सह लें। स्वयं उद्वेगित न होना, दूसरे को उद्वेगित न करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब दूसरा उद्वेगित होता है तो उसकी शक्ति जैसी है, जैसी समझ है, करता है। हम उद्वेगित ना हो। भय एक भावना है और उस भावना को त्याग देने से लाभ है। भय से कोई हित नहीं है। आसक्ति जितनी क्षीण होगी वो भावना घटेगी, जितनी आसक्ति प्रबल होगी भय और बढ़ेगा। भय दिमाग का गर्दा गुब्बार है। निर्भय होकर के जीने की जरूरत है। ये प्रकृति का खजाना अनादि अनंत है, सबके लिए है। सब इसमें खाएंगे, जिएंगे, रहेंगे, जब तक रहना है। शरीर के मिटने का जब समय आएगा, कोई शक्ति ऐसी नहीं कि जो उसको रोक ले। है कोई राखे फिर? साहब ने कहा, है कोई राखे फिर? कोई है ऐसा शक्तिशाली जो फेर करके मरते हुए प्राणी को जिला ले और रख ले? ये कभी संभव नहीं। जीने का मतलब क्या है? इस कूड़े कचड़े शरीर में पड़े रहने क्या मतलब है, क्या फायदा है? झंझट और उद्वेग और खुराफातों से भरा जीवन जीने में सुख मानते हैं, और मरने पर सब झंझट खत्म और उसमें दुख मानते हैं। आज तक आप जिए हैं, क्या पाए संसार से? खुराफात, उलझन, उद्वेग, परेशानी। अभी शरीर छूट जाए, सब परेशानी खत्म, तब क्यों दुख? रोज हम सोने चलते हैं, दो चार छः घंटे की नींद होती है और बड़ा आनंद आता है सोने में।
सुने जो हम चलते हैं और कोई अगर आ करके बातचीत करने लगे तो अच्छा नहीं लगता है, सोना बड़ा सुखद लगता है। 4-6 घंटे नींद के लिए हमें कितना आनंद आता है, कितना आकर्षण है, और जो नींद ऐसी आए जिसमें फिर जगना ना हो, अखंड नींद, कितना सुंदर है। मौत आई और गहरी नींद आ गई सदा के लिए, तो उसमें भयभीत क्यों? इन सब युक्तियों से अपने मन को समझाना चाहिए। हमारे मरने पर कुछ लोग जरूर तकलीफ पाएंगे, लेकिन कुछ लोग खुश भी होंगे, इसलिए हमारा मरना सबके लिए दुखद नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए सुखद भी होगा। अब हमारा मरना तो है ही नहीं, हम तो अमर हैं, शरीर खत्म हो जाएगा। इन सब विचारों से अपने मन को सुदृढ़ करना चाहिए, रोजी रोटी डूब जाए, व्यापार बंद हो जाए, नौकरी छूट जाए, खेती डूब जाए, तो भी जीवन का धंधा फिर मिल जाएगा, गुजर बसर फिर होगा, रास्ता फिर निकलेगा। पाकिस्तान के बंटवारे में जब पाकिस्तान से लोग आए हैं, बड़ी दयनीय दशा, कितने लोगों के तो शरीर पर कपड़े थे और कुछ नहीं था, और यहाँ आकर के लोग दया किए, थोड़ा थोड़ा पैसा दिए, व्यापार करने लगे, उनकी कोठियाँ खड़ी हो गई, फिर ज्यों को त्यों हो गए। यही तो भय होता है कि नौकरी छूट न जाए, व्यापार डूब न जाए, खेती डूब न जाए, डूब जाए फिर उतरा आएगा, एक व्यापार डूबेगा दूसरा व्यापार शुरू हो जाएगा। ये विश्वास रखना चाहिए कि शरीर के साथ प्रारब्ध है, गुजर बसर जीवन में होता रहेगा। जितनी भावनाएं भय के इर्द गिर्द घूमती हैं वो सब हमारे अज्ञान का फल है। हमें हर दिशा में निर्भय होना चाहिए। कितने कीड़े मकोड़े, कितने जानवर हैं, जहाँ तहाँ देखो, पक्षी देखो, सब खा पी रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, फुदक रहे हैं, अन्य जानवर रेंगने वाले रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, बस मनुष्य मुंह लटकाए हरदम दुखी रहता है, कोई जानवर दुखी नहीं रहता, सब चाहकते रहते हैं, पक्षी चाहकते रहते हैं, गिलहरियों को देखो फुदकती रहती हैं, छिपकलियाँ दौड़ती रहती हैं, सब जानवर गगन मगन है, आदमी मुंह लटकाए हरदम उदास उदास उदास, सारी विपत्ति इसी के ऊपर आई है, क्योंकि ये अज्ञान का एकदम बिल्कुल पर्वत सिर पर रख लेता है। अब बहुत लंबी कामना रखता है, जानवर को तो है खा लिए बस हो गया, चिड़िया है कुछ चुग ली बस मस्त, अब आदमी कितना बटोर करके रख लें। आदमी तो मानता है कि हमारे अगली अगली पीढ़ी, जो सैकड़ों सैकड़ों पीढ़ियां हैं, वो सब के लिए रख दें, क्योंकि वे सब हाथ पैर वाले नहीं होंगे, जो हमारी आगे संतान होगी वे सब लुंज पुंज होंगे, और उनके लिए जमा कर दें तब गुजर बसर होगा, नहीं तो नहीं होगा, सबके हाथ पैर होंगे, और जिसके हाथ पैर नहीं होंगे उसका भी गुजर हो जाएगा। विवेक विचार की धारा जब चित्त में चलेगी तो भय नहीं होगा। पत्थर पर से पानी बहता है तो पत्थर पर काई नहीं लगती है, और पानी नहीं बहता है तो काई लग जाती, पत्थर हो जमीन हो, पानी बहने से काई नहीं लगती, पानी न बहे तो काई लगती है। विचारों का प्रवाह जिसके चित्त में चलता रहता है उसके मन में अज्ञान भ्रम भय की काई नहीं जमती, एक बार जान लेने से वो दशा नहीं आती है। दशा आने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। सुबह शाम अकेले में बैठो,
अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, जो हकीकत है उसकी याद करो। सत्यता क्या है? कुछ रहने वाला नहीं। मेरा अपना माना हुआ कुछ नहीं रह जाएगा, हमारे बाबा दादों का कुछ नहीं रह गया, ऐसे मेरा भी होगा। जानते तो हैं ख्याल कितना रहता है, कभी कभार साल भर में, 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में कोई घटना घटी, कोई मर गया तो याद आया कि सब झूठा है, और फिर ज्यों के त्यों हरदम हाय 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 भाग रहे हैं। जब रोज हम अकेले में बैठें, रोज अध्ययन करें ऐसे प्रसंगों का, रोज चिंतन करें और रोज ध्यान करें, रोज प्रयास करें जो वास्तविकता है उसमें ठहरने का रोज प्रयास करें, देखो चित्त में कितना परिवर्तन आएगा। भय खत्म होगा, शोक मोह खत्म होगा, सारे मनोविकार समाप्त होंगे। किसी दिशा में कमाई की जरूरत है, खेती बहुत खरीद, जमीन बहुत खरीद ले और उसकी जुताई गुड़ाई बुआई सिंचाई निदाई सुरक्षा न करे तो खेत में फसल क्या होगी। दुकान बड़ी कर लिया, ताना बाना सब रखते नहीं, मेहनत करते नहीं, ग्राहकों से मीठा व्यवहार नहीं रखते, करीने का बर्ताव नहीं करते, व्यापार कैसे चलेगा। समर्पित होना चाहिए किसी काम में। दुकानदार जब कहता है क्या करें भैया, टिफिन तो आ गया था भोजन का, लेकिन इतने ग्राहक थे छुट्टी नहीं पाया, शाम हो गई तो भोजन नहीं करने पाया, तो मन में तो जरूर कष्ट है लेकिन मन से खुश है, प्रसन्न है। किसान धान काटता है, बालियां बड़ी बड़ी हैं, खूब लगा हुआ है, काटता है, धूप है, नीचे से कीड़े रेंगते हैं, काटते हैं, मेहनत करता है, तो शरीर को तो जरूर कष्ट होता है लेकिन मन खुश है कि खूब धान है। जो अपने काम में व्यवहार में खुश नहीं रहता है, केवल फल में खुश रहता है, वो अच्छा आदमी नहीं। खेती करने में खुश होना चाहिए, खाली फसल पाने में नहीं। अब नौकरी करते हैं और ऑफिस में गैर हाजिर हैं, चाय की दुकान पर बैठे गप मार रहे हैं, कहीं इधर बात कर रहे हैं, कहीं उधर बात कर रहे हैं, कितने अध्यापक हैं मुक्की लगवा रहे हैं बच्चों से, खाट मंगा लिए लेट गए, बच्चों से कहते मुक्की लगाओ, वो पढ़ाने आए हैं, बच्चे पढ़ने आए हैं, सब निकम्मापन। और भगवान के भगत सब बहुत हैं, भगवान को पता नहीं है कहाँ समझ दें। ये प्राणी अगर भगवान नहीं तो भगवान कहाँ मिलेगा। प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार है, अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं और भगवान भगवान कहते रहते हैं। जो अपनी दिशा में परिश्रम में प्रेम करता है वह फल के कम ज़्यादा मिलने पर दुखी नहीं होता है और कभी भयभीत नहीं होता है। हमें परिश्रमी होना चाहिए अपनी दिशा में और फल के लिए निष्काम होना चाहिए। ये समझना चाहिए कुछ अपने बस में नहीं है, सब कुछ विवश है, तो जब जहाँ जितना जो हो जाए हो जाए। हमारे बस में है कायदे से चलना, मन को कायदे में रखना, वाणी को कायदे में रखना, इंद्रियों को कायदे में रखना, ये हमारे बस में है और हमारे बस में कुछ नहीं है। और यही करने से हमें सुख शांति मिलेगी, और बहुत धनजन हमारे बस में हो जाए तो उसमें हमें सुख शांति नहीं मिलेगी, और धनजन तो अपने बस में होते भी नहीं हैं, लगता है हमारे बस में है लेकिन कुछ दिन के बाद वे उंगुलियों से सरक के निकल जाते हैं। अपने ही बच्चे हैं जो शासन में चलते हैं, वही जवान हो जाते हैं तो उनके शासन में पिता को चलना पड़ता है और डांट देते हैं, कितने लड़के डांट दे चुप रहो आप नहीं समझ पाते हो, पिता बेचारा क्या करे, चुप हो जाता है। तो
ये सब परिवर्तनशील है, ये रुकने वाला नहीं है। अपने मन को ऐसा मांजना है कि जिस किसी परिस्थिति में उसमें द्वंद्व न आए, तब निर्भय जीवन होगा। निर्भयता अमरता है और निर्भयता ज्ञान और अभ्यास का परिणाम है। निर्भयता कोई वृक्ष की डाली में नहीं फलती, वहाँ से तोड़ करके ले आओ। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे शीश दे ले जाए। ये साहिब की साकी है। प्रेम किसी बाड़ी में उपजता नहीं है और किसी दुकान में मिलता नहीं है, तो राजा हो चाहे प्रजा हो, अपना सिर दे दे प्रेम ले जाए। सिर देना पड़ता है, सिर देने का मतलब है समर्पण। समर्पण हुए बिना गृहस्थी ही में है, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित नहीं है तो गृहस्थी अच्छी नहीं चल सकती। समर्पित होना अलग है और मोह करना अलग है, ये भी समझ लेना चाहिए। विषयाशक्ति में दोनों परस्पर डूबे हैं तो समर्पित तो नहीं है, वो विकारी हैं। समर्पण है जो जीवन का धंधा है, व्यवहार है, बर्ताव है, उसमें दोनों को दोनों के लिए निश्चल हो करके काम करना, ये समर्पण है। तो पति पत्नी अगर आपस में समर्पित नहीं है तो गृहस्थी सुखद नहीं है। बच्चे समर्पित नहीं माता पिता को, माता पिता बच्चे को, बच्चे को भी समर्पित होना पड़ेगा और माता पिता को भी। धर्म के क्षेत्र में तो प्रायः कहा जाता है शिष्य समर्पित हो, गुरु समर्पित हो, कहीं नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ गुरु को और समर्पित होना पड़ता है। शिष्य त्रुटि करे तो क्षम्य है, गुरु त्रुटि करे तो क्षम्य नहीं है। शिष्य तो अभी उतना पक्का नहीं है, उतना समझा नहीं है। शिष्य का मतलब है शासन मानने वाला। शासन का अर्थ है शिक्षा, उपदेश। तो सीखने के लिए आया है, समझने के लिए आया, अपने सुधारने के लिए आया है। पूर्ण रूप होता तो क्यों आता, अगर उससे त्रुटि हो जाए तो क्षम्य है। और गुरु जो हैं, गुरु से तो मैं उम्मीद करते हैं वो पक्के होंगे, पूर्ण होंगे, तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, कृतार्थ होंगे, कृतकृत्य होंगे। वे त्रुटि करें कैसे क्षम्य है। जो गृहस्थ लोग दीक्षित होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। दीक्षित हुए उनका प्रेम संबंध जुड़ गया और समय समय से मिलते हैं और अध्ययन मनन करते हैं, सेवा भक्ति करते हैं, घर में रह कर अपना काम करते हैं, अपने सुधारते हैं। तो गुरु को जिम्मेदारी गृहस्थ भक्तों की नहीं रहती है, लेकिन जो लड़के घर द्वार छोड़ करके आते हैं वे तो गुरु पर ही आते हैं। माता पिता, घर द्वार, धन संपत्ति सब छोड़कर, उनके सब कुछ माता पिता धन दौलत गुरु हैं। अब गुरु की कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई, खाली ज्ञान ही नहीं, व्यवहार भी, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवाई पानी और मन का व्यवहार कैसा उनका मन है, उलझे तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। तो गुरु को भी समर्पित होना पड़ता है। गुरु की जिम्मेदारी नहीं तो शिष्य न बनाए, कोई जरूरी नहीं हम बटोरे। तो जैसे कि गृहस्थ लोग कितने सूरवीर हैं, बच्चे पैदा करते जाते, पढ़ाते लिखाते नहीं, और उनकी सेवा शुश्रूषा ठीक नहीं है, और बच्चा पैदा करने में खूब वीर हैं। तैसे गुरु लोग भी हैं, खूब वीर हैं चेला बनाने में, लेकिन उनके साथ सुंदर बर्ताव नहीं, तो ठीक नहीं है। शिष्य समर्पित होता है, गुरु को भी समर्पित होना पड़ता है। और शिष्य के अध्यात्म और व्यवहार दोनों को देखना पड़ता है, दोनों को निभाना पड़ता है। इसलिए व्यवहार में समर्पण के बिना कभी व्यवहार सुखद नहीं होगा, किसी का भी हो। अगर ये लगे कि ये तो जंजाल है तो छोड़ देना चाहिए,
अशांति का कारण हो तो छोड़ दे, लेकिन जितना करे उतना ठीक करे। जिसमें अशांति ना हो वही करे, कोई जिम्मेदारी नहीं कि बढ़ाते जाओ व्यवहार। परंतु जितना व्यवहार लो वो पूर्ण रूप से लो, समर्पित होके लो, तो निश्चित है वो व्यवहार सुखद होगा। समर्पण की आवश्यकता है, कर्तव्य की आवश्यकता, मोह की आवश्यकता कहीं नहीं है। गुरु शिष्य में मोह करने लगे, शिष्य गुरु में मोह करने लगे, दुनियादारी दशा आ जाएगी। रात का समय है, एक व्यक्ति जा रहा है कहीं, एक आदमी से पूछता है कि मैं अमुक जगह जा रहा हूँ, वो कौन जगह है? वो बताता, देखो जो आगे गांव है, प्रकाश चल रहा है, वही वो जगह है जहाँ तुम जा रहे हो। तो प्रकाश देखते देखते वहाँ जाता है, जब वहाँ जाता है तब प्रकाश को नहीं देखता, प्रकाश में देखता है। उस प्रकाश में जो लोग बैठे हैं, जिससे मिलने गया है, उनको देखता है। अब वहाँ भी जा करके वही प्रकाश को देखे खड़ा होकर के, तो लोग समझेंगे पागल है। दूर से प्रकाश को देखा जाता है, और प्रकाश के पास पहुँच करके प्रकाश में वस्तुओं व्यक्तियों को देखा जाता है। तो गुरु के साथ प्रेम ठीक है, गुरु के प्रति प्रेम ठीक है, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम का अर्थ है जो गुरु बताते हैं उसमें प्रेम करो। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा भरो सब सुख तेरे पास। साहब कहते, तुम मुझे चाहते हो तो मुझे क्या चाहते हो? मेरे हाथ पैर को पकड़ करके तुम रख लोगे अपने पास? अगर मुझे चाहते हो तो जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास। मैं निष्काम हूँ, तुम भी निष्काम हो जाओ। मैं आशा तृष्णा से मुक्त हूँ, तुम भी आशा तृष्णा से मुक्त हो जाओ, बस मुझे पा गए। तो इसलिए व्यवहार में समर्पण के बिना नहीं चलेगा, और अगर समर्पण के बिना रहते हैं तो व्यवहार दुखद होगा। सब दुखी इसीलिए हैं, पत्नी उधर तनी बैठी है, पति उधर तना बैठा है, लड़का गाल फुलाए बैठा है, गुरु शिष्य एक दूसरे से बैठता नहीं है। कहीं भी हो, मनुष्य तो सब वही हैं, जहाँ व्यतिक्रम होगा वहीं पतन होगा, पतन का फल है दुख। निश्चल भाव से समर्पण होना चाहिए, समर्पित हो, समर्पित होकर के सेवा करें और मोह न करें, ये दोनों पर ध्यान देना होगा। मोह को त्यागना भी होगा, सेवा करना भी होगा। सेवा के बिना काम न चलेगा, हमारी सेवा अनेकों द्वारा होती है, हमें भी दूसरे की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मोह नहीं करना चाहिए। भय मोह के कारण है, मोह अज्ञान के कारण है। हमारा अज्ञान मिटेगा निरंतर स्वाध्याय साधना संयम से, स्वाध्याय सेवा साधना, इन सब के प्रयोगों से मोह मिटेगा। जान लेने मात्र से नहीं मिटेगा, जान लेने मात्र से क्षणकाल के लिए कुछ संतोष होगा। जिस समय हम जानेंगे, ख्याल में आएगा सब झूठा है, कुछ रहने वाला नहीं है, उस समय थोड़ा संतोष होगा। फिर वही जो जड़ता है दिमाग में खड़ी हो जाएगी, जूझते रहेंगे। जब अभ्यास करेंगे, अकेले में बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, और ये रोज करेंगे, और जितना बन सकेगा अधिक से अधिक करेंगे, तब मोह का पर्दा कटता जाएगा। जितने वेग से करेंगे उतना जल्दी कटेगा, और कटते कटते भय भी घटता जाएगा। पूर्ण ज्ञानोदय पर भय का पूर्ण प्रलय, तौलों तारा जगमगे, जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, जौलों ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदय नहीं होता है। इसी प्रकार तब तक जीव कर्मों के बस डोलता है जब तक
पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। पूरा ज्ञान उदय होने का मतलब पूरी निर्मोहता की स्थिति। पूरे ज्ञान के उदय लोग मान लेते हैं कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान, खूब जान जाए, खूब कह ले जाए, इसको पूरा ज्ञान मान लेते हैं। ये पूरा ज्ञान नहीं, ये बौद्धिक और वाचिक है, शास्त्रीय है। पूरा ज्ञान है निर्मोहता। जो ज्ञान की बात बताई गई उसमें क्या बताया गया है? निर्मोह होने का रास्ता बताया गया है। स्वरूप ज्ञान का जहाँ लक्षण है तो स्वरूप असंग है, आत्मा असंग है, उसके साथ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं तो मोह किसमें? संसार की परिवर्तनशीलता जहाँ बताई गई, राम नाम भज राम नाम भज चेत देख मन माही हो, लक्ष्य करो जोर धन गाड़े चलत डुलावत बाही हो, दादा बाबा औ परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आधर भे हेव की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो, इस संसार सार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाही हो, नाता गोता कुल कुटुम्ब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो, एक राम के भजन बिना सब चतुराई डूबेगी। राम का भजन आत्मचिंतन है। कबीर की वाणी में राम भजन आत्मचिंतन है। कबीर का राम स्थूल शरीरधारी नहीं किंतु आत्मा है। वैसे कहा जाए तो सब शरीरधारियों में जो आत्मा बैठा वही राम है। उस राम का चिंतन किए बिना, उसका अभ्यास किए बिना, उसकी स्थिति किए बिना सब चतुराई डूबेगी। हम और आप भय से मुक्त होने का काम करें, निर्भय रहें। जब जो कुछ होना है होगा, अनाद काल से जो होता आया है वही आगे भी होगा। प्रिवियोग अप्रिसंयोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, मिलन वियोग, घाटा मुनाफा इत्यादि, यही सब होता आया है, यही होगा आगे, और क्या होगा। जो नई बात है वो स्वच्छता है, निर्भयता है, शांति है, तृप्ति है, मन का भटकना नहीं, मन की स्थिरता है। ये प्राणी पदार्थों को सोचते रहना नहीं किंतु आत्मलीन हो जाना, ये नई बात है। इस नई बात की तरफ चलो। अगतम दिशा है, तथागत बुद्ध ने कहा अगत दिशा में चलो। उन्होंने यान के लिए बताया कि प्रशिक्षित खच्चर सुखद होता है, प्रशिक्षित घोड़े सुखद होते हैं और प्रशिक्षित हाथी सुखद होते हैं। उस पर बैठ करके आदमी मंजिल को जाता है। ये सब यान है, सवारी है, लेकिन ये सब यान अगत दिशा को नहीं ले जा सकते। जिस दिशा में आज तक नहीं गए वो अगत दिशा निर्वाण है, शांति है। उस दिशा में जाने के लिए आत्म संयम रूपी यान की जरूरत है। वो काम जो करता वो समझदार है। और जो मिले हुए प्राणी पदार्थ हैं उन्हीं के बाद उन्हीं को लेकर के हरदम उलझा 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 समय बर्बाद करना, भयभीत भी रहना, कौन समझदारी। सदैव प्रसन्न रहो और विश्वास रखो, जीवन गुजर होता रहेगा, लोग मिलते भी छुड़ते रहेंगे, जब जो होना होगा होता रहेगा। निर्भय रहो, निर्मोह रहो। भय भावना मात्र है, उसको त्याग देने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि निर्भय होने ही से पूर्ण परमानंद और पूर्ण शांति होगी। अब आप लोग जिनको इच्छा हो थोड़ा घूम लें।